तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप होस्टिंग खरीद के उसके ऊपर आप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, वर्डप्रेस आपको पता ही होगा, ये बेसिक सा मतलब एक वेबसाइट बनने वाला, ब्लॉग बनाने वाला एक टूल है दोस्तों। और होस्टिंग क्या होती है दोस्तों? होस्टिंग आपको खरीदनी पड़ती है, इसके बाद आप उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं दोस्तों ये होस्टिंग का यूज करता हूँ, वायरल होस्ट का। ये बहुत ही सस्ती और अच्छी होस्टिंग है दोस्तों। 49 रुपये से मंथली इसका मतलब पैकेज चालू होता है दोस्तों। आप भी अगर बिगनर है तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो मैं वर्डप्रेस पर जाता हूँ दोस्तों। उसका मतलब सस्ता प्लान है 69 रुपीज का। मैं थोड़ा दोस्तों एडवांस प्लान लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैं बाय नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके पास अगर कौन सी वेबसाइट होगी, मतलब आपने अगर डोमेन खरीदा होगा, अगर आपको डोमेन पता नहीं है तो डोमेन एक चीज होती है दोस्तों, www.google.com कैसे, वैसे एक अपनी मतलब डोमेन अपना नाम का रजिस्टर करना पड़ता है। तो मेरा डोमेन रजिस्टर है दोस्तों गोडैडी पर। अगर आपको भी ये दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। आपके अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप डोमेन भी रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों। मेरा नाम, डोमेन का नाम है डुप्लीजॉन.com। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों इधर से, और कॉम इधर लगा देता हूँ। तो मैं इसके बाद यूज कर देता हूँ। तो इसके बाद ये दोस्तों डोमेन वेरीफाई करेगा, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू क्लिक करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो मैंने 109 का प्लान कंटिन्यू मतलब किया था मंथली का, तो इसके मुझे 128 रुपीज दोस्तों दिखा रहा है। तो मैं इसको चेकआउट कर देता हूँ। चेकआउट करने के लिए दोस्तों आपको सिंपल से आपका फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं तो आप साइन अप विद गूगल से कर सकते हैं। साइन अप विद गूगल से करने के बाद बस आपको गूगल अकाउंट का आपको एक्सेस को देना पड़ेगा दोस्तों। मैं सब एक्सेस देता हूँ इसको अलाउ करके। तो इसके बाद दोस्तों नाम वगैरह सब आ गया है, तो मैं अभी पेटीएम कंप्लीट ऑफर कर दे। पेमेंट ऑप्शन आपको चॉइस कर लीजिए दोस्तों, कौन से पेमेंट से आपको मतलब पेमेंट करना है। तो मैं पेटीएम क्रेडिट कार्ड ही मैं कर देता हूँ दोस्तों। तो मुझे पे करने के लिए इधर आ रहा है दोस्तों, तो प्लीज वेट। पेटीएम का क्यूआर कोड इनका आ गया है दोस्तों। क्यूआर कोड को स्कैन करके मैं इनको पेमेंट कर देता हूँ दोस्तों। 128 दोस्तों बहुत ज्यादा रकम नहीं है कि आपको मतलब वेबसाइट, अगर आप बिगनर है और आपको अच्छा खासा मतलब सीखना है या आप मतलब ये कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट होने वाला है दोस्तों। तो मैंने इसको मोबाइल में स्कैन कर लिया है दोस्तों। इसके बाद में मेरे अपने बैंक अकाउंट से इनको पेमेंट ट्रांसफर कर देता हूँ। 2 मिनट के अंदर दोस्तों पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पेमेंट ट्रांसफर हो गया है और इनका मतलब इन्होंने कैश भी कर लिया है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि हमारा होस्टिंग और डोमेन हमको अभी कनेक्ट करना है। तो इसके लिए दोस्तों 2 मिनट प्रोसेसिंग पे वेट लग रहा है। लॉग इन कर देता हूँ मैं इधर, साइन अप विद गूगल कर देता हूँ। मैंने गूगल से साइन अप किया था। तो दोस्तों हमारा डैशबोर्ड इस तरह से कुछ ओपन हो गया है दोस्तों। ये देखिए सर्विस, ये डोमेन है, टिकट, और ये डोमेन हमने इनसे परमिशन नहीं किया था इसके लिए, ये duplizon.com करके डोमेन है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अभी सी पैनल पे जाना है दोस्तों। हमारी एक सर्विस है, इसको ओपन कर लेना है। duplizon.com एक्टिव है, इसका हमें सी पैनल पे जाना है। इसके बाद हमको इधर आने के बाद दोस्तों देखिए लॉग इन टू सी पैनल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दूसरे मतलब न्यू विंडो में हो जाएगा, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। ये देखिए इसको भी स्किप कर देते हैं। तो ये प्री एसएसएल सर्टिफिकेट है दोस्तों, इसको आप एसएसएल सर्टिफिकेट आप इसको मतलब इंस्टॉल कर लीजिए, या प्री है दोस्तों। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो सी पैनल के आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद नीचे वर्डप्रेस मैनेजर है, तो वर्डप्रेस के आने के बाद इधर दोस्तों आपको इंस्टॉल कर देना है दोस्तों। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों देखिए इधर आपके वेबसाइट का नाम आ जाएगा, HTTPS आ जाएगा। इसके बाद आपका एडमिन यूजर नेम आ जाएगा, और आपको इधर पासवर्ड अच्छे से कुछ आपको रख देना है। तो मैं रख देता हूँ, तो मेरे कौन सा पासवर्ड रख गया, साइट का नेम क्या है आप यहाँ रख सकते हैं। तो बाकी डिटेल भी आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, उसका इतना प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इधर, कुछ सेकंड के अंदर है दोस्तों इंस्टॉल हो गया। तो दोस्तों हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है दोस्तों। तो वर्डप्रेस पे आप एडमिन पैनल पर लॉगिन कैसे करेंगे दोस्तों? दोस्तों इधर देखिए duplizon.com मेरा नाम है, लॉगिन पे एड्रेस पर आप क्लिक कर दीजिए। लॉगिन होने के बाद दोस्तों देखिए आपका एडमिन पैनल वर्डप्रेस का ऐसा है दोस्तों, और आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दोस्तों दिखेगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मतलब अभी तक मैंने इसको डिजाइन नहीं किया है, आगे मैं चलकर इसको बहुत अच्छे तरह से डिजाइन करूंगा, वो भी वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों अगर वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल करने में कुछ दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मुझे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।